स्वागत आपका तो फटाफट देखते हुए नजर आए जी हाँ क्वार्टर थ्री के नंबर आ चुके हैं तो चलिए फटाफट देखते हुए कैसे आए और क्या कुछ हमें जो नाउंसमेंट होते हुए नजर आई है जैसे कि आप देखोगे इस कंपनी द्वारा आप देखोगे एक जो है ना मोटर जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है उस कंपनी को पीछे 100 परसेंट जो स्टेक उसका एक्वायर किया गया था काफ़ी अच्छी अपडेट्स हमें जो ना आते हुए नज़र आई थी बिजनेस के रिगार्डिंग तो चलिए अभी देखते हैं अब इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे आई हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हम बात करेंगे इसी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू दी गई है इन रुपीज़ लैक में दे रखी है लेकिन मैं आपको जो है ना एक करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा अगर बात करें यहाँ पर आप देखो कि टोटल जो सॉरी इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है और यहाँ पर आपको नाइन मंथ हंड्रेड रिजल्ट्स देखने को मिल रही हैं अगर बात करें टोटल इनकम की टोटल रिवेन्यू की तो आपके बार आप देखोगे जो टोटल इनकम हमें होते हुए नजर आए हैं वह है ग्यारह हजार ग्यारह सौ छप्पन करोड़ का जबकि प्रीवियस क्वार्टर में हमें बारह करोड़ का देखने को मिला था तो प्रीवियस क्वार्टर से अब की बार आप देखोगे भाई इसके रिवेन्यू में गिरावट हमें देखने को मिली रिवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस पर वहीं अगर बात करें इसके नाइन मंथ हंड्रेड पर तो वहाँ पर आपको भी खतरनाक जंप देखने को मिला है यहाँ पर आप देख सकते हो भी दो करोड़ से सीधा तीस करोड़ उनतीस लाख का सॉरी हजार उनतीस करोड़ का हमें जो ना भाई रिवेन्यू में जंप देखने को मिला है नाइन मंथ बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस को लेकर अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर आप देखोगे ग्यारह करोड़ के अब की बार एक्सपेंस रहे हैं ग्यारह करोड़ के सॉरी प्रीवियस क्वार्टर में ग्यारह करोड़ के तो प्रीवियस क्वार्टर से एक्सपेंस में भी जंप है बट अब की बार आप देखोगे जो रिवेन्यू है वो इसके एक्सपेंस से कम है तो इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ है जी हाँ कितना लॉस हुआ चलिए वो देख लेते भी, टोटल लॉस कितना हमें होते हुए नजर आया कंपनी को तो यहाँ पर आप देखोगे लॉस या जो ना भाई प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लॉस फॉर द पीरियड हमें होते हुए नजर आया है वो लगभग लगभग चौंतीस करोड़ उनसठ लाख का जबकि प्रीवियस क्वार्टर में आपको जो ना अभी दस एक सौ दो करोड़ का प्रॉफिट होते हुए नजर आया था तो प्रीवियस क्वार्टर से प्रॉफिट इसका जो रिजल्ट वो काफी ज्यादा खराब आते नजर आए हैं कंपनी जो आपको लॉस में देखने को मिल रही है जबकि नाइन मंथ हंड्रेड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी हमें जो ना अभी लॉस देखने को मिला लॉस में इजाफा होते हुए नजर आए हैं तो ये इसके क्वार्टर रिजल्ट्स रहे हैं जो कि प्रीवियस क्वार्टर से काफी ज्यादा खराब हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट था और आपके बार 34 करोड़

पढ़ सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो